हेलो दोस्तों, तो क्या हो रहा है। तो मेरे हाथ में है फोन पोको X4 Pro 5G और ये जो फोन है ये मैंने आज ही ऑर्डर किया था, मतलब मेरे पास आज आया है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप भी ये फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि इसका जो बाहरी का जिसका डब्बा का जो लुक है वो कैसा है। देखिए इसका डब्बा का यहाँ पर आपको बड़े अक्षर में लोगो यहाँ लिखा हुआ, उसके बाद इस साइड में भी यहाँ पीछे साइड आपको व्हाइट का मिलता है, इधर भी लिखा हुआ है छोटे इस यहाँ पर है। अब देखिए आपको मैं आगे दिखाऊँ, इसके पीछे साइड जो है ये येलो मिलती है और यहाँ पर जितना भी स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका कैमरा कितना है, चार्जर कितना है, उसके अलावा आपका इसका जो कितना हर्ज का ये डिस्प्ले काम करता है वो लिखा हुआ है, उसके अलावा 5G सपोर्ट है कि नहीं, ये सब आपको यहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ बहुत बड़े अक्षर में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में असेंबल करता है तो मेड इन इंडिया लिख देता है। चलिए इसको पहले ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो चलिए इसको पहले हम अपने नाखून से इसको चीरते हैं। तो ये फट चुका है, चलिए इसको अभी निकाला जाए। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर में यहाँ पर आपको फ़ोन मिलता है और फ़ोन पूरी तरह से कवर अप रहता है। तो ये फ़ोन रहा, इसका मैं पहले कवर इसको निकालूँ मैं। तो देखिए पहले आप देखिए फ़ोन का लुक देखिए, भाई साहब क्या लुक है, इसका लुक देखिए क्या चमक रहा है। यहाँ पर कैमरा देखिए, यहाँ देखिए बड़े अक्षर में पोको लिखा हुआ है, लेकिन सबसे इसका जो मस्त देखिए कितना चमक रहा है लाइटिंग पे, एकदम बहुत ही इसका ये जो लुक है बहुत बढ़िया है। यहाँ बड़े अक्षर में 5G लिखा हुआ है और देखिए इसका स्क्रीन भी जो है एमोलेड स्क्रीन है, इसको पहले ऑन में कर देता हूँ। देखिए इसका स्क्रीन देखिए बवाल स्क्रीन है इसका, देख सकते हैं आप लोग एकदम पूरा। और चलिए तो पहले इसको साइड रखते हैं, पहले देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ हमें मिलता है। तो देखिए इसके बाद जो है ये इसमें देखिए कुछ है पता नहीं, छोड़िए देखिए कुछ है। अब इसके अगला जो है, अरे निकल जा भाई, देखिए अभी अब नाखून नहीं काम कर रहा है। हाँ देखिए इसके अंदर जो है वो हमें क्या चीज़ मिलता है, देखिए यहाँ पर पिन है जैसे कि हम इसका सिम खोलेंगे, उसके अलावा यहाँ कवर है जो कि फ़ोन में हम लगाते हैं, हर फोन में ये कवर अब फ्री मिलता है, ये कवर है साथ में। इसके बाद यहाँ पर कुछ आलतू फालतू कागज़ है, यहाँ पर पोको का जो है ये इसमें मेनू चार्ट है जिसमें क्या क्या होगा कैसे होगा लिखा हुआ है। चलिए इसको भी हम फिलहाल साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रहा आपका चार्जर, इसका देखिए ये चार्जर है और चार्जर जो है इसका ये भी अच्छा है और इसका जो एडेप्टर है और चार्जर। चलिए इसको भी फिलहाल हम बाद में दिखाएंगे आपको, हम अभी रखते हैं साइड में और बात करते हैं फोन के ऊपर में। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसका जो डिस्प्ले का साइज है वो आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है और साथ में ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ज है। और इसका देखिए इसका जो डिस्प्ले देखिए कितना सुंदर देखने में लगता है और ये चूंकि बहुत लंबा डिस्प्ले है आप इसमें गेम अच्छा से खेल सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लायक भी है। अब बात करते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर की। इसका सेंसर है देखिए आपको मैं दिखा दूँ कि क्लिक करिए ऑन, क्लिक ऑन, तो ये बहुत ही फास्ट काम करता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके रैम और रोम की। तो इसका जो वेरिएंट है वो दो तीन वेरिएंट में आता है। मेरे पास जो है ये 6GB रैम और 128GB जो है इसका स्पेस है, स्टोरेज है और इसके अंदर जो है ये UFS 2.2 है जिसके कारण आप इसके रैम को 3GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो पीछे में 3 कैमरा है और ये जो है इसका पीछे का कैमरा 64 MP और जबकि फ्रंट जो कैमरा है ये 16 MP के साथ आता है। मैं आपको आगे पिक्चर भी क्लिक करके दिखा दूंगा फ्रंट और रियर दोनों से कि कैसा इसका पिक्चर आता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर जो है ये स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर लगा हुआ है और जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है, जिसका कि साइज है वो 6 नैनोमीटर है। अब जैसा कि इस फोन का नाम आपको जो है ये पोको X4 प्रो 5G है तो इसकी ये 5G को सपोर्ट करता है और इसकी खासियत क्या है कि ये 5G के 7 अलग अलग बैंड को सपोर्ट कर लेता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है इस फोन की। इसके अंदर आपको 5000 mAh की जो है बैटरी वो मिल जाती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और साथ में 67 वाट का टर्बो चार्जर मिल जाता है जो कि इस फोन को आधे घंटे में फुल चार्ज कर देती है। और चूंकि इस फोन का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही बेस्ट है तो इसलिए आप इससे गेम भी खेल सकते हो अच्छे से। इसका रीजन ये है कि ये 619 GB एड्रिनो को सपोर्ट कर लेता है जिस कारण इसका जो फोन गेम जो है वो आपको फोन में बिल्कुल भी लैग नहीं होने वाला है। अगर आप गेम के सोच के आप फोन ले रहे हो PUBG या BGMI खेलने के लिए तो फिर आप ये फोन बेस्ट एकदम अचानक बंद करके आप इसे ले सकते हो। अब बात करते हैं फोन की जो इसकी इसका जो ड्यूरेबिलिटी है उसके बारे में। उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ये फोन आपको वाटर प्रूफ है, साथ में डस्ट प्रूफ भी है, यानी कि आप इसको धूल में ऐसे फेंक दो कोई दिक्कत नहीं,
पानी में गिरा दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोन है सो वाटर प्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है, तो ये भी बहुत बड़ी खासियत है जिसके कारण ये फोन आपका लंबा चलेगा। आप कहीं बारिश में फंसो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन हमेशा आपका साथ देगा। डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ बारे में इसलिए बोला क्योंकि इसके साथ IP53 की रेटिंग है। अब बात करते हैं इसके स्पीकर की, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है। चलिए आपको मैं इसमें कुछ बजा के भी सुना देता हूँ। तो चलिए अब मैं इसमें गीत बजा के आपको सुना देता हूँ। आवाज बहुत अच्छा है इस फोन का, तो आप ये फोन, आपको मैंने सुना दिया गाना, तो फोन का आवाज बहुत बेस्ट है। तो अब हम इसके अगले फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत ही बवाल, बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटी है। वो ये है कि आप जब इसमें गेम खेलोगे या फिर आप इस फोन को यूज करोगे, ये फोन गर्म नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है ये लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आपके फोन को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देगा। तो आप फोन में चाहो पबजी खेलो, चाहे BGMI खेलो, चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा गेम खेलो, फोन गर्म नहीं होगा, और फोन गर्म नहीं होगा तो फोन हैंग भी नहीं करेगा। तो चलिए अब जो है इसका हम आपको फोटो खींच के दिखाए थे, तो देखिए आपके स्क्रीन पर तो अभी आ रहा है ये जो फोटो है इस कैमरा का, यानी कि रियल कैमरा का। और रियल कैमरा मुझे कुछ खास इसका लगा नहीं, बाकी जो इसका जो वाइड एंगल है वो वाइड एंगल 12 को ये सपोर्ट करता है, तो वाइड बहुत एंगल बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका क्योंकि कैमरा का जो पावर ये 64 मेगापिक्सल है, लेकिन इस हिसाब से जो है ये इसका कैमरा उतना अच्छा मुझे नहीं लगा पर्सनली। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये फ्रंट कैमरा का पिक्चर है, और इसका ये फ्रंट कैमरा मुझे रियलिटी में अच्छा लगा। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो इस हिसाब से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। इसका क्लियरिटी आप देखिए, इसका जो आप अगल बगल का जो भी है आप उसका क्लियरिटी देखिए कितना क्लियर फोटो लिया है। साथ में फेस का आप जूम देखिए, ये भी बहुत बेस्ट लिया है। तो ये जो है ये मुझे अच्छा लगा। इसका फ्रंट कैमरा को मैं 10 में 8 या 9 का स्टार दूंगा, लेकिन रियल कैमरा जो है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बाकी आप लोग अगर ये फोन ले रहे हो तो बिल्कुल लो, और उसके लिए आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा उसकी पूजा कर लीजिए, और उसके बगल में घंटी रखी होगी उसको बजाते हुए आशीर्वाद दे लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।